मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खजूर। ये मैदे की खजूर बनती है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मैदा का खजूर या ठकुआ बनाने के लिए ये 3 कप मैंने मैदा लिया है, और इसमें हम 1.5 कप चीनी डालेंगे। आप कोई भी कप मेजरमेंट कर सकते हैं, या ये समझिए कि 1 किलो अगर मैदा लेते हैं तो उसमें आप आधा किलो चीनी डालिए। ये मैंने 3 कप मैदा लिया है तो मैं इसमें 1.5 कप चीनी डालती हूँ, और उसका 1/4 घी लेना है। 1/4 मतलब 1 किलो में 250 ग्राम घी चाहिए। तो ये घी आप पिघला हुआ लीजिएगा, जिससे कि जो आपका ठकुआ है या फिर खजूर है वो खस्ता बनता है। और उसमें हम 8 से 10 इलायची को अच्छे से उसका पाउडर बना लेंगे, और वो लेना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये चीनी जो है इसमें मिक्स ना हो जाए। और यूं करके हाथों में लेके और इसको आप मिक्स करें, जिससे कि चीनी इसमें पिघल जाए। इसे तलहत्ती पे लेके और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हमें हल्का सुसुम पानी डालना है, थोड़ा सा पानी ऐसे ले और इसको छीट के और फिर मिक्स कर दे इसे। खूब अच्छे से मिक्स करना है, उतना मिक्स करना है कि चीनी जो है इसमें पिघल जाए, क्योंकि सारा जो इसका खस्तापन होता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए ये चीनी पिघलने लगी है। अब ये हो गया। अब हम इसकी छोट इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके और ऐसे करके इसकी मुट्ठी बना लेते हैं। देखिए ये बंध जाएगा एक लोई की तरह, सारी जो मुट्ठी है हमें इसकी तैयार कर लेनी है। ऐसे दोनों हाथ में आप रख के बना सकते हैं, छोटा छोटा बनाइएगा। ऐसे हम तैयार कर लेंगे, ऐसे हम सारी लोई तैयार कर लेंगे इसकी। अब हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें घी गर्म करेंगे। घी, डालडा या रिफाइन ऑयल आप जिसमें भी इसे फ्राई करना चाहे आप गर्म करने के लिए डाल दें। अब ये एक सांचा आता है स्पेशली इसी के लिए, इसके लिए ठकुआ के लिए आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल इस प्लेट पे भी हल्का सा घी लगा के और आप इसको ठोक सकते हैं, ऐसे करके ठोक दें, और बहुत पतला भी नहीं करें बहुत मोटा भी नहीं करें, ऐसे करके आप इसे बना सकते हैं। मैं इस पे बनाती हूँ। ये देखिए इसको मैंने घी लगा लिया इस पे,
अच्छे से इसे मैश कर दिया। और अब हम इसको लेके और इस पे अच्छे से ठोक देंगे। ये देखिए इतना मोटा होना चाहिए, ये बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही करके हमने जितना जब भी लगे आपको कि ये सूख रहा है, आप इस पे घी लगा ले। जब ये चिपकने लगे इस पे, फिर इसको अच्छे से मैश कर दे और इस पे आप इसको ठोक ले। ये देखिए ऐसे ही करके हम सारे जो खजूर है उसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये घी अब गर्म हो गया है। हम इसमें पहले छोटा सा टुकड़ा डाल के चेक कर लेते हैं। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसे मीडियम कर लेंगे। इसकी आंच को मीडियम करके और हमने जो अब ये बना के रखा है खजूरी उसको डाल देंगे इसमें। एक बार में आप ज्यादा नहीं डालें। बस अभी इतना ही फ्राई करना है। देखिए अच्छे से एक तरफ से लाल हो गया होगा अच्छे से। अब आप इसे पलटते हैं, बीच में मत पलटिएगा जब तक अच्छे से लाल ना हो जाए, नहीं तो ये टूटने लगेगा। गैस को कम करके ही इसे फ्राई करना है। इसे अच्छे से हमें दोनों तरफ से पका लेना है। ये देखिए ये ठुकवा दोनों तरफ से खजूर जो है वो पक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही करके हम सारे जो खजूर हैं उसको तैयार कर लेंगे।